बहुत ही खास और स्पेशल जिसे देख के मुंह में पानी आ जाए। दो तरह के खस्ता करारे पराठे, पालक पराठा और मेथी का पराठा, ना फटेंगे ना चिपकेंगे ना बेलने में परेशानी होगी, खास टिप्स के साथ बताने जा रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ पारुल, कुक विद पारुल स्पेशल्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले बनाते हैं हरा भरा पौष्टिक और स्वादिष्ट पालक का पराठा। सर्दियों के बहुत ही पौष्टिक और खास पालक के पराठे बनाने के लिए यहाँ मैंने लिया है फ्रेश पालक, एकदम हरा भरा पालक है और मैंने अच्छे से पालक को दो तीन बार धो लिया और जो मोटी मोटी डंठल थे उनको हटा दिया है। पालक यहाँ पर मैंने लगभग 200 ग्राम के करीब लिया है। तो यहाँ पर हमें पालक को कुछ उबालना वगैरह नहीं है, पालक को देंगे एक छोटा सा ट्रीटमेंट जिससे कि आपके पालक के पराठों का स्वाद हो जाएगा दुगना। आप गैस पर रखिए एक कढ़ाई, फ्लेम को कर दीजिए मीडियम और इसमें हम डालेंगे सिर्फ एक छोटी चम्मच ऑयल। तेल को इस तरह घुमा लीजिए, तेल के गर्म होते ही इसमें हम डालेंगे एक चौथाई छोटी चम्मच हींग। अब इसमें जाएंगी दो से तीन हरी मिर्च, यहाँ मैं डाल रही हूँ एक बड़ा चम्मच कद्दूकस किया हुआ अदरक और एक बड़ा चम्मच मतलब पांच से छह मैंने लहसुन की कली ली है, वो भी यहीं पर डाल देंगे। बहुत अच्छी लगती है इस पराठे में। थोड़ा सा भून लेंगे, बहुत ज्यादा कुछ भी हमें इसको भूनना नहीं है, सिर्फ कच्चापन निकल जाए। अब ये देखिए अदरक लहसुन हरी मिर्च सभी चीजें हल्की सी भुन गई हैं और यहाँ पर हम डाल देंगे हमारा धुला हुआ पालक। काटने की भी कोई जरूरत नहीं, बस इसी तरह डाल दीजिए। बस कुछ ही देर में आप देखेंगे कि जो इतना पालक लग रहा है बिल्कुल सिमट के इतना सा हो जाएगा। और यहीं पर हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा नमक, अच्छे से सब चीजों को मिक्स कर लेंगे और एक बढ़िया सा हम पालक का मिक्स तैयार करेंगे। और जैसे कि भी आप देख सकते हैं कि पालक ने बिल्कुल पानी छोड़ना शुरू कर दिया है। यहाँ पर पानी वगैरह कुछ डालने की जरूरत नहीं है क्योंकि पालक खुद ही अपने जूस रिलीज करता है, इसी में हमें पालक को पकाना है। यहाँ पर हम डालेंगे थोड़े से फ्लेवरफुल मसाले, तो मैं डाल रही हूँ एक छोटी चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, आधा छोटी चम्मच गरम मसाला, आधा छोटी चम्मच जीरा पाउडर और एक छोटी चम्मच धनिया पाउडर। इस प्रोसेस से आपका काम जल्दी भी हो जाएगा, पराठे बनाना आसान भी पड़ेगा। और ये देखिए पालक बिल्कुल बढ़िया से सॉफ्ट हो गया है और जो पानी है वो हल्का सा सूख गया है। गैस को ऑफ कर देंगे, मिक्स को ठंडा होने देंगे। अब आप लीजिए एक ग्राइंडिंग जार और ग्राइंडिंग जार में जब सारा मिक्स ठंडा हो जाए ना तो सारा आप इसमें डाल दीजिए। और यहीं पर हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा हरा धनिया, ये टेस्ट बहुत अच्छा देगा पराठे को और सभी चीजों को एकदम बढ़िया से पीस लेंगे। और ये लीजिए हमारे पालक पराठे के लिए पालक का मसाला मिक्सर बिल्कुल तैयार। अब आटा गूंथने के लिए आप लीजिए एक बड़ा बर्तन और इसमें हम सारा पालक का पेस्ट निकाल लेंगे। अब इसमें हम डालेंगे पालक के पराठे को एकदम खस्ता बनाने के लिए दो बड़े चम्मच बेसन और यहीं पर हम डालेंगे आधा छोटी चम्मच अजवाइन। अजवाइन इस तरह हाथ से क्रश करके डालें, पराठे में बहुत बढ़िया स्वाद देती है। सभी चीजों को कर लेंगे मिक्स। अब इसमें जाएगा गेहूं का आटा, तो ये हो गया एक कप, थोड़ा थोड़ा करके डालिए और हम कोशिश करेंगे कि पानी की ज्यादा जरूरत ना पड़े, इसी से आटा गुथ जाए तो, क्योंकि इससे फिर कलर भी अच्छा आएगा और न्यूट्रिशन भी बढ़िया रहेगा। और आधा कप आटा मैंने और लिया है, ये भी इसमें डाल देंगे। अगर हमें पानी की जरूरत लगेगी तो इसमें ऐड कर लेंगे। अगर आपको यहाँ पर आटा कम लगे तो थोड़ी सी आटे की मात्रा और बढ़ा लीजिए। हमें यहाँ लगाना है इसका एक नरम आटा यानी कि सॉफ्ट आटा। तो जो ग्राइंडिंग जार में मैंने पालक पीसा था ना उसी में थोड़ा सा पानी डाल लिया है, तो जो लगा हुआ पालक है वो भी यूज हो जाएगा। बढ़िया से मसलते हुए हम आटे को गूंथ लेंगे और बस अब आप इस पर डालिए एक छोटी चम्मच ऑयल और अच्छे से एक बार और मसल दीजिए। तो लीजिए हमारा बढ़िया सा आटा है एकदम तैयार, आप देख सकते हैं सॉफ्ट आटा मैंने लगाया है। 5 मिनट ढककर रख देते हैं जिससे थोड़ा सा सेट हो जाए। तो 5 मिनट हो गए हैं, आटे को चेक कर लेते हैं। परफेक्ट, एक बार और आटे को एक सार कर लेंगे मसल कर। अब आप इसमें से तोड़िए लोइयां, जितने भी साइज के आपको पराठे बनाने हैं, छोटे बड़े मीडियम साइज के, उस हिसाब से। तो मैं ये इतनी बड़ी लोई ले रही हूँ, थोड़े से ये पराठे ना थिक अच्छे लगते हैं, बहुत पतले पराठे ये बढ़िया नहीं लगेंगे। तो आप इसको हल्का सा थिक बनाए, तो गोल कर लेंगे और इस तरह लोई तैयार करेंगे। अब आप लीजिए एक चकला और लोई को थोड़ा सा हम इस तरह आटे में कोट कर लेंगे और हाथ से दबाते हुए बस इसको हम बेलेंगे। अब यहाँ आपकी चॉइस है, आप चाहे तो ये पराठे गोल बना सकते हैं, तिकोने बना सकते हैं, चौकोर बना सकते हैं, जैसे चाहे आप इनको बना सकते हैं, क्योंकि इनमें कोई स्टफिंग हमें करनी नहीं, बहुत ही आसान हो जाता है इस तरह से बेलना। और इस तरह से थोड़ा सा बेलने के बाद इस पर हम लगाएंगे हल्का सा ऑयल या घी, इससे एकदम खस्ता लेयर्स बनेंगे हमारे पराठे की। मैं आपको तिकोना वाला बनाकर दिखाती हूँ, क्योंकि गोल तो यूजुअली हम बनाते ही हैं, तिकोना पराठा हो या किसी शेप का हो तो बच्चे बहुत खुशी से खाते हैं। बस यहाँ से इसको करेंगे फोल्ड और हल्का सा घी इस लेयर पर भी लगा देंगे। यहाँ से इधर फोल्ड करेंगे, इससे ना इसकी परत बहुत अच्छी आएंगी। और वापस से करेंगे इस तरह आटे में कोट, शेप को मेंटेन करते हुए हल्के हाथ से हम पराठे को बेलेंगे। पूरा प्रेशर बीच में नहीं लगाएंगे, गोल गोल घुमाते हुए पराठे को बेल लेंगे, लेकिन इसकी शेप को मेंटेन रखेंगे। बहुत ज्यादा पतला बिल्कुल नहीं बेलेंगे, हल्का सा थिक रखेंगे, तभी पालक के पराठे का टेस्ट आता है।
बिल्कुल इस तरह, ये देखिए इस थिकनेस का। देखिए कितना बढ़िया हमारा पराठा लग रहा है। अब यहाँ देखिए मैंने गैस पर पहले ही तवे को चढ़ा दिया था, फ्लेम यहाँ पर मैंने रखी हुई है लो मीडियम। तवा बढ़िया गर्म हो गया है, जब आप पराठा डालें उस टाइम पर तवा बढ़िया गर्म होना चाहिए, उसके बाद हम फ्लेम को कम कर देंगे। तो यहाँ पर हम डालेंगे पराठा और मीडियम फ्लेम पर बढ़िया से पराठे को दोनों साइड से हम सेकेंगे। तो अभी हमें यहाँ कोई घी तेल नहीं लगाना, बहुत ही जरूरी पॉइंट बढ़िया पराठे के लिए। पहले नीचे की सतह को आप अच्छे से सेक लीजिए, अभी कुछ ही देर में ये आपको हल्का फूला फूला सा दिखाई देगा। और ये देखिए आपको फूला फूला दिख रहा होगा, ये देख सकते हैं आप। बस इस स्टेज पर हम पराठे को पलट देंगे, परफेक्ट। हल्के हल्के स्पॉट आ गए हैं, नीचे से भी हल्का सा सिकने देंगे। अभी हल्का हल्का फूल रहा है, तो इस स्टेज पर हम लगाएंगे ऊपर वाली सरफेस पर घी और इस तरह घी लगा करके पलटेंगे। ये देखिए बहुत बढ़िया, और बिल्कुल इसी तरह हल्का सा घी हम ऊपर भी लगा देंगे। बहुत खस्ता बनता है ये पराठा, मजा आ जाएगा खाकर, टेस्ट में तो पूछिए मत। लो मीडियम फ्लेम पर बढ़िया से पराठे को दबाते हुए हम सेक लेंगे। बिल्कुल भी हाई फ्लेम पर पराठे को ना सेकें, जितना आप लो मीडियम पर आराम आराम से पराठे को सेकेंगे उतना ही खस्ता और क्रिस्प के साथ आपका पराठा बनेगा। और आप देख सकते हैं कि पालक के पराठे का कलर भी बहुत ही प्यारा आया है। ये देखिए आप देख रहे हैं इसकी लेयर्स कितनी बढ़िया लग रही हैं। उलटते पुलटते पराठे को बढ़िया गोल्डन क्रिस्पी हम सेक लेंगे। ये देखिए एकदम खस्ता बहुत ही प्यारे क्रिस्प के साथ हमारा पराठा तैयार हुआ है। तो सारे ही पराठे इसी प्रकार सेकेंगे। तो ये लीजिए बिल्कुल तैयार है सर्दियों के बहुत ही पौष्टिक और सुपर सुपर टेस्टी हरे भरे क्रिस्पी खस्ता पालक पराठा। नेक्स्ट बनाते हैं सभी का ऑल टाइम फेवरेट और विंटर स्पेशल मेथी का पराठा। बहुत ही स्वादिष्ट और सुपर हेल्दी यूनिक स्टाइल के नरम मुलायम मेथी के पराठे बनाने के लिए यहाँ पर मैंने ली है एक बंच हरी भरी फ्रेश मेथी। तो यहाँ मैंने मेथी को बिल्कुल बढ़िया से साफ कर लिया है, इसमें जो पीछे मोटी मोटी डंडियां होती है ना उसको मैंने हटा दिया। अब हमें मेथी को धोना होगा, तो धोने के लिए आप लीजिए एक बड़े बर्तन में पानी और यहाँ हम देंगे मेथी को एक छोटा सा ट्रीटमेंट। तो यहाँ मैं डाल रही हूँ इसमें एक छोटी चम्मच नमक, इस तरह पानी में नमक को मिला दें और अब आप मेथी इसमें धोएं। इससे क्या होगा कि जो भी मेथी में कड़वापन होता है वो सारा निकल जाएगा। तो इस तरह से डिबो करके मेथी को हम धोएंगे। ऐसे डिबो कर पानी में धोते हैं ना तो जो भी इसमें मिट्टी रेत वगैरह होती है वो पानी में नीचे रह जाती है। और पानी निकल जाने के बाद थोड़ी सी मेथी आप इस तरह लें और इसको हम बारीक कट कर लेंगे, देखिए इस तरह। और लीजिए मैंने सारी मेथी को काट लिया है। अब आप गैस पर चलाइए एक कढ़ाई या पैन, फ्लेम को रखेंगे मीडियम और पैन में हम डालेंगे बस एक छोटी चम्मच घी। घी के गर्म होते ही इसमें हम डालेंगे आधी छोटी चम्मच जीरा, हमारी तैयार बारीक कटी हुई मेथी, और बस 2 मिनट लो मीडियम फ्लेम पर मेथी को थोड़ा सा पका लेंगे। और ये देखिए मेथी हो गई है नरम और एक्स्ट्रा जो भी मॉइस्चर था वो भी निकल गया है। गैस को कर देंगे बंद और मेथी को होने देंगे हल्का सा ठंडा। अब सबसे पहले हम लेंगे एक बड़ा बर्तन या इस तरह की परात, इसमें यहाँ मैं ले रही हूँ 2 कप गेहूं का आटा। तो यहाँ पर मैं डाल रही हूँ 4 बड़े चम्मच बेसन, बेसन की वजह से टेस्ट भी एनहेंस होता है और खस्तापन भी बहुत आता है। आधा छोटी चम्मच अजवाइन इस तरह हाथ में क्रश करके डालें, 1 छोटी चम्मच अदरक और हरी मिर्च का दरदरा करा हुआ इस तरह पेस्ट, 1/4 छोटी चम्मच हल्दी, 1 छोटी चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच डाल रही हूँ धनिया पाउडर। अब सभी चीजों को बिल्कुल बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। तो ये मैंने ली है ताजे दूध की 2 बड़े चम्मच मलाई। तो बस मलाई डाल के सभी चीजों को करेंगे मिक्स। अब इसमें हम डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। अब नेक्स्ट इसमें जाएगी हमारी तैयार मेथी। सारी मेथी डालकर बिल्कुल बढ़िया से पहले आटे में मिक्स करेंगे, फिर देखेंगे कि कितनी हमें पानी की जरूरत है। थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और इस तरह से इसका बढ़िया मसलते हुए आटा गूंथ लेंगे। ये देखिए एकदम परफेक्ट, ना ज्यादा मुलायम है और ना ही ज्यादा सख्त, बढ़िया से आटा हमारा लग गया है। अब इसको मैं एक कपड़े से ढक रही हूँ और 10 मिनट के लिए इसको करने देंगे आराम। और 10 मिनट बाद आटे को चेक करेंगे, परफेक्ट। एक बार और बढ़िया से इसको हाथ पर हल्का सा ऑयल या घी लगाकर एक बार और आटे को मसल लेंगे। अब एक मीडियम साइज की लोई तोड़ेंगे, जितना बड़ा छोटा आपको पराठा बनाना है उस हिसाब से हथेली के बीच में रखकर गोल कर लेंगे। सूखे आटे में इस तरह से लपेटेंगे। अब हम लेंगे हमारा चकला और उसके ऊपर रखेंगे लोई और हाथ से हल्का सा प्रेस कर लेंगे, थोड़ा सा हल्के हाथ से बेलेंगे। अब लेंगे घी और घी को इस तरह से पराठे पर लगा देंगे, इससे ना एकदम खस्तापन आता है पराठे में, क्रिस्पनेस भी बरकरार रहेगी। यहाँ से इस तरह से उठाएंगे और इधर फोल्ड करेंगे। मैं तिकोना पराठा बना रही हूँ, तिकोने पराठे मेथी के ज्यादा सुंदर लगते हैं। अब इस परत में भी हल्का सा घी का हाथ लगाएंगे, बिल्कुल इस तरह, बहुत ज्यादा नहीं थोड़ा सा, और यहाँ से इसको तिकोना आकार देंगे। ये देखिए परफेक्ट, हल्का सा आटा डस्ट करेंगे और धीरे धीरे पराठे को बेल लेंगे, हल्के हाथ से, ज्यादा प्रेशर नहीं लगाएंगे,
मीडियम थिकनेस का, ना ज्यादा पतला बेलेंगे ना ज्यादा मोटा, क्योंकि मेथी का पराठा है ना, हल्का सा मोटा हो वही बढ़िया लगता है। परफेक्ट। अब यहाँ पर गैस पर तवे को मैंने पहले ही चढ़ा दिया था, तवा हो गया है हल्का गरम, तो बस यहाँ पर फ्लेम को रखेंगे मीडियम और इस तरह से पराठे को तवे पर डाल देंगे। कोई घी तेल वगैरह पहले बिल्कुल भी नहीं लगाएंगे। और जब ये पराठा हल्का सा फूलो फूलो दिखेगा और नीचे हल्का सा गोल्डन एक परत आ जाएगी, तब पराठे को इस तरह पलट देंगे। और बिल्कुल इसी स्टेज पर जब आपने पलटा, अब इस स्टेज पर ही हमें लगाना है इस पर घी या तेल या बटर, किसी में भी आप इसको सेक सकते हैं, घी में पराठे ज्यादा स्वादिष्ट लगते हैं। और तुरंत देखिए इसको पलट दीजिए। सुपर्ब, आप देख सकते हैं बहुत ही बेहतरीन हमारा पराठा गोल्डन सिका है। ये देखिए, फ्लेम को अप कर दीजिए लो क्योंकि तवा काफी गर्म है, और नीचे से इस तरह से दबाते हुए इसको बढ़िया से सेकेंगे। लीजिए हमारा मेथी का बहुत बहुत टेस्टी, सेहतमंद, स्वादिष्ट, खस्ता और क्रिस्पी पराठा है बिल्कुल तैयार। तो चलिए इसी तरह दूसरा पराठा भी बेल लेंगे। और जब तवे पर दूसरा पराठा डालें तो एक बार एक किचन टॉवल या एक टिश्यू पेपर से इस तरह तवे को पोंछ लेंगे। जो भी इस पर पहले परोथन वगैरह होगा वो हट जाएगा, कालापन नहीं आएगा पराठे पर, और सेकंड पराठा भी बिल्कुल इसी तरह से सेकेंगे। तो ये लीजिए बिल्कुल तैयार है हमारे बहुत बहुत ही स्वादिष्ट और एकदम सॉफ्ट खस्ता मेथी के पराठे। तो आपने देखा इस मौसम के सबसे खास पालक के पराठे और मेथी का पराठा बनाना कितना आसान है। मेरी टिप्स फॉलो करके बनाइए, पहली बार में ही जबरदस्त खस्ता, करारे और बेहद स्वाद से भरपूर हेल्दी टेस्टी पराठे आप तैयार कर पाएंगे। तो अगर आपको ये कॉम्बो रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज 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 वीडियो को लाइक शेयर और आपके अपने चैनल को क्विक पर स्पेशल्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हैप्पी कुकिंग।